हेलो एवरीवन आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम लोग इंडस्ट्रियल मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें मैं आपको 15 क्वेश्चंस बताऊंगी और इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं उनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगी और इनका एग्जैक्ट आंसर बताऊंगी कि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट इज़ द अटैचमेंट्स गिवन द पिन टक यानी कि उस अटैचमेंट का नेम बताना है जो पिन टक्स देते हैं टक्स टक्स आपको पता है टक्स जो हैं डाट की तरह होती हैं लेकिन वो गारमेंट में एज अ फिनिशिंग और एज अ डेकोरेटिव पर्पज भी दी जाती है और एज अ फिटिंग पर्पज भी दी जाती है तो उसका बताना है जो पिन टक दिए जाते हैं वो किस अटैचमेंट यानी कि किस प्रेशर फुट की मदद से दिए जाते हैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर है टकर फुट टक्स जो हैं हमारे टकर फुट की मदद से दिए जाते हैं देन सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा हाउ मैनी फीड डॉग्स मेड इन ओवर लॉक मशीन आपकी जो ओवर लॉक मशीन होती है उसमें कितने फीड डॉग होते हैं वन टू थ्री फोर तो कितने फीड डोग होते हैं हमारी ओवरलॉक मशीन में यानी कि जो हमारे गारमेंट को ओवरलॉक करता है यानी कि जो उसके एजेस होते हैं सीम ईज अलाउंसेज जो होते हैं सीम अलाउंसेज जो होते हैं उनको फिनिश करता है तो उसमें कितने फीडडोग होते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर है टू जो हमारी ओवरलॉक मशीन होती है उसमें हमारे टू फीड डोग होते हैं विच थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा विच पार्ट्स इज इंडिकेटिंग द ऑयल लेवल आपको बताना है कि जो ऑयल लेवल है वो कौन सा पार्ट है जो इंडिकेट करता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं जो ऑयल लेवल इंडिकेट करता है यानी कि ऑयल कितना है मशीन में कितना नहीं है जो ये चीज़ बता जाता है वो कौन कौन से उस टूल का नाम क्या होता है तो ऑप्शंस हैं साइड ग्लास बैक टेक लीवर थ्रेड गाइड एसिलेटर तो इसका एग्जैक्ट आंसर है साइड ग्लास तो ये ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास की शेप में होता है इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारे मशीन में ऑयल कितना है कितना नहीं है अगर ख़त्म होने वाला है तो हम रिफिल कर देते हैं और अगर लेवल में है और अगर लेवल में है तो वेल एंड गुड दैन फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा विच वन इज़ द मोटराइज स्विंग मशीन पार्ट आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कि मोटराइज स्विंग मशीन का पार्ट कौन सा है ऑप्शन हैं ट्रेडल बैंड व्हील बैंड व्हील कवर पावर स्विच तो ट्रेडल जो है हमारी ट्रेडल मशीन का पार्ट होता है बैंड व्हील बैंड व्हील कवर ये सभी हमारे ट्रेडल मशीन के पार्ट हैं। तो लास्ट क्या बचा हमारा पावर स्विच तो पावर स्विच जो है हमारा मोटर स्विंग मशीन पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा विच पार्ट्स hold the needle at one end with help of clamp जो हमारे needle को hold करके रखता है clamp में उसका उस part का नाम क्या है उस equipment का नाम क्या है options हैं face plate, fly wheel, needle bar, pressure foot face plate क्या होती है जो हमारे arm area पे लगी होती है machine का जो arm area होता है उसके फेस पर जो लगी होती है उसको हम फेस प्लेट बोलते हैं फ्लाई व्हील हमारा पहिया जिसकी मदद से हमारी मशीन मोशन में आती है निडल बार जिसमें हमारे निडल लगी है प्रेशर फुट जिसमें जो हमारा आ, कपड़े को होल्ड करके रखता है तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है निडल बार निडल बार हमारे आ, निडल को होल्ड करके रखती है देन सिक्स क्वेश्चन आता है हमारा विच अटैचमेंट टू यूज फॉर गैदरिंग फैब्रिक बाई मशीन मशीन की मदद से जो गैदरिंग दी जाती है फैब्रिक में उस अटैचमेंट का नाम बताना है जिस अटैचमेंट की मदद से फैब्रिक में गैदरिंग दी जाती है तो ऑप्शन हैं बाइंडर अटैचमेंट फोल्डर अटैचमेंट गाइड अटैचमेंट फुट अटैचमेंट तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फुट अटैचमेंट जो नॉर्मल फुट होता है उसकी मदद से या जो गैदर फुट होता है उसकी मदद से हमारी आ, जो गैदर्स हैं वो दिए जाते हैं फैब्रिक में देन सेवेंथ क्वेश्चन आता है हमारा वॉट इज़ स्पेशली यूज फॉर डेकोरेटिव परपज़ विद लॉन्गर स्टिचेज जो हमारे लॉन्गर स्टिचेज के लिए डेकोरेटिव परपज़ के लिए जो लॉन्गर स्टिचेस दी जाती हैं उसका नेम बताना है उस फुट का नेम बताना है वो कौन सा फुट है तो ऑप्शंस हैं हिंज्ड प्रेशर फुट गैदरिंग प्रेशर फुट प्रेशर फुट जिपर फुट तो इसका एग्जैक्ट आंसर है गैदर फुट गैदर फुट जो है वो हमारा डेकोरेटिव पर्पस यूज़ किया जाता है लॉन्ग स्टिचेज उसमें यूज होती हैं देन एट क्वेश्चन आता है हमारा विच अटैचमेंट्स इज यूज फॉर कवरिंग कोड एंड जिपर उस फुट का नाम बताना है उस अटैचमेंट का नाम बता रहा है जो हमारे कोड और जिपर को अटैच करता है कवर करता है कॉर्ड यानी कि जो हमारी आ, जो हम थ्रेड की मदद से स्टिच करते हैं वो और ज़िपर यानी कि जो हमारी चैन होती हैं तो वो किसकी मदद से अटैच की जाती हैं उस फुट का नेम बताना है ऑप्शंस हैं टकर फुट ज़िपर फुट प्रेशर फुट रफर फुट तो इसका एग्जैक्ट आंसर है जिपर फुट ज़िपर फुट की मदद से हम कोर्ड और जिपर्स को अटैच करते हैं अपने गारमेंट में तो अगर आपको अटैचमेंट्स के बारे में जानना है तो मेरी एक अटैचमेंट को लेके एक वीडियो है जिसका नाम अटैचमेंट से ही है टाइप्स ऑफ अटैचमेंट तो आप जाके उसमें देख सकते हैं कि कितने प्रकार के अटैचमेंट्स हैं आप प्ले में जाके चेक कर सकते हैं देन नाइन्थ क्वेश्चन आता है हमारा विच अटैचमेंट इज यूज फॉर फोल्डिंग एंड और जॉइनिंग वाइल स्टेमोनसली स्विंग जब आप सिलाई करते हैं तो फोल्डिंग करने के लिए और जॉइनिंग के लिए जो अटैचमेंट इस्तेमाल किया जाता है उस अटैचमेंट का नाम बताना है तो ऑप्शंस हैं गाइड अटैचमेंट बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट फुट अटैचमेंट बटन होल अटैचमेंट तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट यानी कि बाइंडर और फोल्डर अटैचमेंट की मदद से हम फोल्डिंग और जॉइनिंग करते हैं फैब्रिक को देन टेंथ क्वेश्चन आता है हमारा विच मशीन इज गिव टू स्टिच ऑफ क्रॉस एंड स्ट्रेट शेप बताना है कौन सी मशीन है जो सिलाई क्रॉस में और स्ट्रेट शेप में देती है तो ऑप्शन हैं ओवरलॉक मशीन ज़िगज़ैक मशीन फ्लैट लॉक मशीन चैन ऑफ लूप्स मशीन तो इसका एग्जैक्ट आंसर है जिगजैक मशीन जिग्जैक्ट मशीन हमारी नॉर्मल स्टिच भी करती है और डेकोरेटिव स्टिच भी करती है यानी कि जो क्रॉस स्टिच होती है या जिग्जैक्ट स्टिच होती है उसको भी ये करती है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इलेवन क्वेश्चन वट इज़ द फंक्शन ऑफ मोटराइज स्विंग मशीन पार्ट्स ऑफ एसिलेटर तो आपको बताना है जो आपकी स्विंग मशीन होती है उसका फंक्शन क्या होता है तो ऑप्शंस हैं कंट्रोल द स्टिच कंट्रोल द पावर स्टिच कंट्रोल द स्पीड कंट्रोल द बैलेंस व्हील यानी कि सिलाई को कंट्रोल करना जो पावर स्टिच होती है उसको कंट्रोल करना स्पीड को कंट्रोल करना बैलेंस व्हील को कंट्रोल करना तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कंट्रोल द स्पीड स्पीड को कंट्रोल करना ये उसका काम होता है देन ट्वेल्थ क्वेश्चन आता है हमारा वट आर द फंक्शन ऑफ थ्रेड टेक अप लीवर जो थ्रेड टेकअप लीवर होता है उसका क्या फंक्शन होता है वो क्या वर्क करता है आपकी मशीन में ऑप्शन है मूव द क्लच फीट द थ्रेड टू निडल द क्लॉथ फॉर्म ली इन पोजिशन कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ द स्टिच तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फीट द थ्रेड टू निडल यानी कि जो निडल होती है उसकी मदद से थ्रेड को फीड करता है देन थर्टींथ क्वेश्चन आता है हमारा वट इज़ द रीज़न टू रेगुलेट क्लीनिंग ऑयलिंग एंड केयर ऑफ द स्विंग मशीन तो बताना है आपको कि क्लीनिंग ऑयलिंग और जो केयर करते हैं हम स्विंग मशीन की वो किस लिए करते हैं उसका रीज़न क्या है ऑप्शनस हैं मशीन रन्स हैविली पुअर कंडीशन पर्पज लॉन्ग लाइफ यानी कि मशीन हैवी चले हार्ड चले थोड़ा पुअर कंडीशन के लिए या किसी स्पेशल पर्पस के लिए या लॉन्ग लाइफ के लिए जो ऑयलिंग है और मेंटेनेंस है जो हम मशीन का करते हैं वो किस लिए करते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर है लॉन्ग लाइफ ताकि हमारी मशीन की लॉन्ग लाइफ हो इसलिए हम अपनी मशीन की केयर एंड मेंटेनेंस करते हैं देन फोर्टीन क्वेश्चन आता है हमारा वट इज़ द रीज़न ऑफ अपर थ्रेड ब्रेकिंग जब हमारा ऊपर का थ्रेड यानी कि जो निडल वाला थ्रेड होता है अगर वो टूट जाता है तो उसका रीज़न क्या है वो क्यों टूट जाता है ऑप्शंस हैं सेट द बॉबिन इन करेक्ट पोजीशन, यानी कि जो आपकी बॉबिन जो है वो करेक्ट पोजीशन में सेट होती है इसलिए टूट जाता है थ्रेड द निडल प्रॉपरली जो थ्रेड है वो निडल में प्रॉपरली नहीं लगा होता इसलिए एक्सेस ऑयल यानी कि ऑयलिंग जो है वो ज़्यादा लगी होती है मशीन में इस वजह से ऑयल एंड क्लीन प्रियोडिकली आप प्रियोडिकली ऑयल एंड क्लीन करते हैं इसलिए तो इसका एग्जैक्ट आंसर है थ्रेड द निडल प्रॉपरली जो आपका निडल uh, है उसमें थ्रेड प्रॉपरली नहीं डला होता इसलिए आपका जो थ्रेड है वो टूट जाता है देन लास्ट क्वेश्चन फिफ्टीन क्वेश्चन है हमारा हाउ इज़ द रेमेडी फॉर लोअर थ्रेड ब्रेकिंग आप लोअर थ्रेड ब्रेकिंग से आपका जो नीचे का जो थ्रेड होता है जो बॉबिन वाला थ्रेड होता है जब वो टूट जाता है तो उससे कैसे बच सकते हैं ऑप्शंस हैं शार्प निडल ब्लंट निडल सेलेक्ट द करेक्ट थ्रेड निडल टू स्मोल यानी कि जो आपकी निडल है वो बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए ब्लंट यानी कि थोड़ी सी घसी हुई होनी चाहिए सेलेक्ट द करेक्ट थ्रेड आपको सही धागा चुन चुनना चाहिए निडल टू स्मोल्स छोटी सुई का इस्तेमाल करें तो नीचे का धागा नहीं टूटेगा तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सेलेक्ट द करेक्ट थ्रेड जो आपका थ्रेड है उसको सही चुनना चाहिए ये ना हो कि आप लोकल थ्रेड का चुनाव कर रहे हैं तो इससे क्या होगा जब आपका लोकल थ्रेड होगा उसमें कच्चापन ज़्यादा होता है कॉटन का थ्रेड ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि हम जो नॉर्मली थ्रेड यूज़ करते हैं वो थोड़ा पॉलीस्टर जिसमें कॉटन का थ्रेड ज़्यादा होता है और पॉलीएस्टर थोड़ा जो लोकल होते हैं उसमें कॉटन का थ्रेड ज़्यादा होता है लेकिन जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें पॉलीस्टर ज़्यादा होता है कॉटन कम होता है जिसकी वजह से उस थ्रेड में खिंचाव ज़्यादा होता है तो थ्रेड टूटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं इसलिए हमें थ्रेड का चुनाव सही करना चाहिए तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा तो हमने इसमें जो मेंटेनेंस है उसके बारे में भी डिस्कस किया और स्विंग मशीन के पार्ट्स के बारे में जो अटैचमेंट्स होते हैं स्पेशल अटैचमेंट उनके बारे में डिस्कस किया आई so, होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अदरलाइए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आई का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आई का नेम जिस ना नाम नेम से मेरी आईडी होती है आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी अदरवाइज नीचे लिंक तो होता ही है उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड आप मुझसे ईजीली पूछ सकते हैं तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईज़िली पूछ सकते हैं सो थैंक यू आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को बाय